पंचायत समिति धर्मशाला के अध्यक्ष रविंद्र चौधरी ने मंडल भाजपा धर्मशाला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान रविंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा नेता ये कहकर कि धर्मशाला में विकास थम गया है तो उसे देखने के लिए वे अपना चश्मा बदल दें। चौधरी ने कहा कि शहरी विकास मंत्री एवं धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के नेतृत्व और मार्गदर्शन में धर्मशाला की पंचायतों का असली विकास हुआ है। धर्मशाला की पंचायतों को वाईफाई सुविधा से लैस किया जा रहा है। ये ऐसी योजना है जिसके बारे में कभी भाजपाइयों ने सोचा तक नहीं था। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सुधीर शर्मा ने पंचायतों में जिम खोलने की योजना तैयार की है जिसका सीधा लाभ युवा वर्ग को पहुंचेगा और युवा नशे की ग्रत में जाने की बजाय अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। रविंद्र चौधरी ने कहा कि धर्मशाला की 24 पंचायतों में हो रहे विकास कार्यों को देखते हुए पंचायतों के लोग सुधीर शर्मा को फिर से चुनने के पक्ष में हैं। रविंद्र चौधरी ने कहा कि पंचायत समितियों का बजट केंद्र ने बंद होने के बाद आ रही दिक्कतों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अपनी ओर से बजट जारी किया है। हालांकि ये बजट कम है लेकिन फिर भी पंचायत समिति सदस्य कुछ कार्य करवाने में सक्षम हुए हैं। सबसे पहले हमने ये आज की जो पत्रकारिता थी वो हमने की थी। हमारा जो हमें पंचायत समिति को बजट मिला था वो बजट हमें यहाँ पे प्रोवाइड हो गया धर्मशाला ब्लॉक को और हमने उसको आवंटित भी कर दिया अपने पंचायत समिति सदस्यों में। और इसके लिए हमने माननीय श्री शहरी विकास मंत्री श्री सुधीर शर्मा जी का थैंक्स और इसी अनुसार मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र जी का धन्यवाद भी करने के लिए जी की थी। और साथ में जो हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक हैं श्री सुधीर शर्मा जी, उनका हमारी जितनी भी पंचायतें में उनका इतना अच्छा वर्क हो रहा है, इतना काम हो रहा है सभी पंचायतों में। मतलब पानी के अच्छी व्यवस्था है, सड़कों के अच्छी टचिंग है और जितने भी। तो कितना पैसा अभी तक आपको मिला है पंचायत समिति को? सर 12.5 लाख। तो जो आपको वेतन दिया जाता है क्या आप उस वेतन से खुश हैं? नहीं, वेतन से तो खुश नहीं है। इसके लिए हमने एक डिमांड रखी हुई है, उसके लिए भी वेतन को मानदेय बढ़ाने के लिए और साथ में एक मेडिकल भत्ते के लिए भी हमने डिमांड रखी हुई है। तो हमने माननीय श्री सुधीर शर्मा जी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन। वहीं रविंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा युवाओं को अपने साथ होने का स्वांग रच रही है। इसके लिए भाजपा ने हुंकार रैली तक का आयोजन किया लेकिन इस रैली में युवा नहीं बल्कि टिकटार्थियों की भीड़ थी। ये रैली भाजपा के अंदर टिकट को लेकर चल रही खींचातानी को उजागर कर रही है। ये बात साफ हो गई है कि भाजपा नेताओं को युवाओं की नहीं बल्कि अपने टिकट की चिंता है।